हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे आपके इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट में मॉडल्स देखेंगे। इसको मॉडल्स नहीं, मॉडल्स पढ़ते हैं, वैसे शुद्ध प्रोनाउंस है, बट हम लोग मॉडल या मॉडल्स पढ़ते रहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है मॉडल्स। ठीक है, ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती है। एक प्रकार की ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या होती हैं, सहायक क्रियाएं ही होती हैं ये। ठीक है, तो हमारे पास जो हेल्पिंग यानी कि वर्ब होती है दो प्रकार की, एक एक्जिलरी यानी कि प्राइमरी होती है और एक क्या होती है, मॉडल एक्जिलरी वर्ब होती है। एक प्राइमरी होती है, एक होती है मॉडल्स यानी मॉडल्स। ठीक है, दो होती हैं हमारे पास, तो हम लोग इसी में से मॉडल को पढ़ेंगे हम लोग, और इसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कैसे होता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते चलते हैं एक एक करके सभी को। सबसे पहले कैन और कुड का देखते हैं हम लोग, कैन और कुड क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे और इसको लिख लेंगे, कैन और कुड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैन और कुड कैसे काम करता है। ठीक, तो कैन कुड में पहला नंबर आता है कैन का। तो कैन का देखेंगे, इसमें पहला रूल होता है कि एबिलिटी के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? एबिलिटी के लिए लगाया जाता है। एबिलिटी यानी योग्यता, जहाँ पे योग्यता की बात हो, एबिलिटी की बात होगी, वहाँ पे क्या लगेगा, कैन लगेगा। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे दिया गया है आई स्विम। अब बताइए यहाँ पे कह रहा आई स्विम यानी कि मैं और तैरना, यानी कि यहाँ पे एबिलिटी की बात कर रहा है कि क्या तुम तैर सकते हो कि नहीं तैर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, कैन, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। क्या? मैं तैर सकता हूँ, यहाँ पे एबिलिटी की बात कर रहा है और इसमें कैन लगेगा। दूसरा क्या है, जैसे दिया गया ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश बोलने की बात कर रहा है, तो एबिलिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, कैन, ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश मैं बोल सकता हूँ या वह इंग्लिश बोल सकता है। ही लगा हुआ है तो वह इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पे एबिलिटी की बात थी तो हमारा क्या लग जाएगा, कैन लगेगा। दूसरा रूल है बी नंबर, देख लेते हम लोग, परमिशन। अच्छा, परमिशन के लिए बहुत कम लगता है इसका यूज होता है, आज्ञा के लिए। ठीक है, आज्ञा, क्योंकि परमिशन के लिए ज़्यादातर मे का यूज होता है। अच्छा, परमिशन में दो चीज़ें होती है, एक परमिशन लेना और एक परमिशन देना होता है। एक होता है परमिशन लेना और एक होता है देना। ठीक है, तो परमिशन लेने के लिए ज़्यादातर यूज होता है मे का यूज होता है। ठीक है, परमिशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे कैन का यूज कैसे हो रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है, इसमें दिया गया यू गो होम नाउ। ठीक है, ये दिया गया है यू गो होम नाउ, यानी कि अब तुम घर जा सकते हो, यानी कि यहाँ पे परमिशन देने की बात कर रहा है, यहाँ पे दे रहा है, क्या कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पे अगर दे रहा है तो कैन लग जाएगा, अगर लेने की बात करता है तो मे कर देते हैं। ठीक, अगर परमिशन ज़्यादातर क्या होता है, मे का यूज दोनों में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेने के लिए परमिशन मे का यूज करते हैं और देने के लिए क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मे लगा दें हम, मे लगा दें तो क्या हो जाएगा, यू मे गो होम नाउ, यानी कि तुम जा सकते हो, वही मतलब होगा, लेकिन मे यहाँ पे सफिशियंट नहीं होगा, कैन होगा, क्योंकि यहाँ पे परमिशन दे रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर है इसी का, यू पार्क योर कार हेयर। ठीक है, क्या कह रहा कि तुम अपनी गाड़ी जो है, योर कार, तुम्हारी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हो, यानी परमिशन दे रहा है। परमिशन दे रहा तो क्या लगेगा, कैन लगेगा, यानी परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज कर लेते हैं और लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। मे के रूल में हम फिर से एक बार बताएंगे।
तीसरा रूल देखते हैं पॉसिबिलिटी, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, क्या होगी? संभावना। संभावना में कैसे लगेगा ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? पॉसिबिलिटी में, संभावना में, ठीक। संभावना दिखाने के लिए, होने के लिए, जैसे दिया गया है पहला सेंटेंस दिया गया है द स्टूडेंट्स, या फिर दूसरा ले लेते हैं, ये इसमें दूसरा दिया गया है, ठीक है? जैसे दिया गया है ही कम टुडे, ये दिया गया है, ठीक है? ही कम टुडे, पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, 50% है कि वो आज आ सकता है, ही कम टुडे आ सकता है, अगर हमें संभावना लग रही है कि आज वो आ सकता है, ठीक है? 50% अगर लग रहा है हमें, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। अगर पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आ ही जाए, पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावना अगर हो तो हम तब भी कैन का यूज कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, डी नंबर जो इसका रूल है पावर, शक्ति, शक्ति दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। पावर दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे दिया गया है पहला है वी वॉक सो लॉन्ग। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? वी वॉक सो लॉन्ग, यानी कि वो लंबी दूरी टहलने की बात कर रहा, बहुत दूरी तक टहलने की बात कर रहा, बहुत लंबी दूरी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 है ना, 7 किलोमीटर, बहुत दूरी, लंबी दूरी तय करने की बात कर रहा। तो यहाँ पे उसकी पावर की बात कर रहा कि क्या तुम लंबा टहल सकते हो, यानी चल सकते हो। वॉक मतलब चलना होता है या टहलना होता है, तो क्या तुम चल सकते हो? तो बिल्कुल कह रहा कि वी कैन वॉक सो लॉन्ग, मैं बहुत दूरी तक चल सकता हूँ, यानी कि जैसे बहुत से लोग होते पैदल बहुत दूरी तक नहीं चल पाते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर दिखाना है तो आपको वी कैन वॉक सो लॉन्ग कहना पड़ेगा, है ना? ये आपके हो गए टोटल कैन, इनको आपको लिख लेना है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कुड का, देखेंगे किसका देखेंगे? कुड का देखेंगे, कैन का साथ ही कुड, ठीक, लिख लिए इसको, ठीक। हम लोग देखते हैं आगे, अब कैन कुड में क्या अंतर है ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें और हो सकती हैं, जैसे हमारा लिखा है कैन कुड, हम ऐसे भी जान जाते हैं, जैसे इसका यूज होता है प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए, इसका यूज होता है पास्ट, यानी ये कैन का पास्ट रूप होता है कैन ही, सिर्फ पास्ट होता है, यानी ये बीते हुए चीज़ों को बताता है, और उसी फॉर्मेट बताता है एबिलिटी, कैपेबिलिटी, यानी कि परमिशन या फिर आपकी पावर, उसी के रूप में ये बताता है, सिर्फ इतना सेंस होता है कि ये प्रेजेंट को बताता है और ये पास्ट को बताता है, सिर्फ उसी चीज़ों को पास्ट जो बीत जाती है। जैसे नहीं कह रहा कि जब मैं छोटा था तो मैं ये कर लेता था, सही है ना, लेकिन वहाँ पे सेंस थोड़ा सा देगा आपको, कि जिससे आप ये पकड़ सको कि पास्ट की बातें कर रहा है, यानी कि बीते हुए समय की बातें कर रहा है, ये आपको सेंस देगा। जैसे आपको पहला दिया गया है कुड में एबिलिटी ही दिया गया है, ठीक है? पहला दिया गया है एबिलिटी, लेकिन कैसी एबिलिटी होगी ये हम लोग देखेंगे। अब कैन कुड में यहाँ पे अंतर भी हम लोग जान जाएंगे कि कैन कुड में अंतर क्या है, हम कैसे जानेंगे कैन कहाँ भरना है और कुड, क्योंकि कैन और कुड का मतलब सेम है। कैन और कुड का मतलब क्या है? सेम है, सका सका, सिर्फ ये अंतर है कि एक प्रेजेंट के लिए होता है और एक पास्ट के लिए होता है, लेकिन कैसे जानेंगे सेंटेंस को पढ़ कर कि पास्ट है कि प्रेजेंट, तो हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने कैन का देखा, प्रेजेंट का देखा, अब हम लोग पास्ट का देखते हैं। जैसे इसमें पहला सेंटेंस है दिया गया है सी स्पीक इंग्लिश
वेल, क्या कह रहा है? सी स्पीक इंग्लिश वेल, वो अच्छा इंग्लिश बोल सकता था, अच्छा इंग्लिश वेल यानी कि अच्छी इंग्लिश, है ना। अच्छी इंग्लिश क्या है कि बोल सकता था, यानी बोल सकती थी, यस था, ठीक है, सी है तो थी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह अच्छी इंग्लिश बोल सकती थी, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। और अगर यहाँ पे अभी देखा आपने कैन का यूज होता तो सी स्पीक इंग्लिश बस होता, विल नहीं होता, सही है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या भर देंगे, कुड। अच्छा एक और ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ज़्यादातर आपको सेंस देकर कहेगा, ये तो बहुत छोटा सा सेंस दिया था, लेकिन बड़ा सा ले लेते हैं हम लोग। जैसे दिया ही स्विम, ये देखो अभी हमने कैन में देखा था ही स्विम, अगर इतना बस दे रहा तो ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, क्या हो जाएगा, वह तैर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सेंस दिया गया अलग से जोड़कर, क्या कह रहा, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ये देखो अब क्या दे दिया, ही स्विम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा था, जब वह था, जब वह छोटा था, वाज था, थे थी आ गया, ठीक है, जब वह छोटा था, यानी कि पहले की बात कर रहा, भूतकाल की बात कर रहा, कर रहा कि नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। इस तरह के आपको ये वाला तो बहुत कम, इस तरह आपको पेपर में नहीं देगा, ये बहुत कम बता रहा कि पास्ट का है, लेकिन ये आपको पूरा पूरा बता रहा कि पास्ट का। इसी तरह कुड का जब आएगा तो आपको इस तरह का एक सेंस छोटा सा देगा, एक सेंस देगा आपको छोटा सा समझने के लिए कि कुड लगेगा कि कैन लगेगा, और आप जान जाओगे कि कैसे होगा। एक और देख लेते हैं चलो, ताकि और क्लियर हो जाए। ही नॉट पास एज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये देखो अब इसमें कैसे हम जानेंगे कि ये पास्ट की बात कर रहा है या प्रेजेंट की, हमको नहीं पता है कि कैन लगना है कि कुड लगना है, ठीक है, हमको नहीं पता है, लेकिन पढ़कर कैसे जानेंगे हम। इसमें तो जान गए थे कि व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब मैं अच्छा तैर सकता था या तैर सकता था, ठीक है। अब इसमें दिया गया ही नॉट पास एज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, जैसे अगर वह, एज या इफ ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यदि वह मेहनत नहीं करता है, कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम नहीं करता तो क्या पास होगा, नहीं पास होगा। तो ही कुड नॉट पास, ही कुड नॉट पास यानी जब मेहनत नहीं करेगा, ये देखो डिड लगा हुआ है यानी पास्ट की बात कर रहा, क्या कर रहा है, पास्ट के, डिड होता है, क्या होता है, डिड नॉट, पास्ट के होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट का होता है, ये टेंथ से पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी कि वह कठिन परिश्रम नहीं करती तो क्या होगा, पास नहीं होगी। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कैन नहीं होगा, कैन होता तो केवल कितना लगा होता, इतना होता, इधर का, इधर का नहीं होता, ठीक है, क्या होता, ही कैन नॉट पास, बस वह पास नहीं हो सकता, ये नहीं होता। आपको ये सेंस है, क्या है ये सेंस, ये बताने के लिए है कि पास्ट की बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है, ऐसे ही आपके पेपर में जब कुड का आएगा तो ये सेंस बताएगा आपको, और सेंस नहीं होगा तो आपको कैन लगा देना है, क्या लगाना है, कैन लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, इसका पॉसिबिलिटी में भी हो जाएगा इसी प्रकार आपका। अच्छा इसका एक और होता है, नया होता है इसका, हम बता देते हैं रिक्वेस्ट के लिए। कैन का यूज रिक्वेस्ट के लिए नहीं होता, लेकिन इसका होता है प्रार्थना के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। जैसे पहला दिया गया है, यू गिव मी योर पेन, ये देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यू गिव मी योर पेन, क्या तुम पेन दे सकते हो, है ना, मुझे, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो, अपना पेन, योर पेन, अपना पेन दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या बारा जाएगा, प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ ये नहीं कह रहा कि मैं क्या पेन आपकी ले सकता हूँ,
अगर ये कहता कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ तो परमिशन हो जाता, तो मे का यूज हो जाता, किसका यूज होता, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है यू गिव, तुम, मी, यानी तुम क्या मुझे अपना पेन दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुड हो जाएगा। अब प्रार्थना के लिए कैन का यूज बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, एक नया था ये, बाकी सब सेम रूल है, बस आपको वहाँ पे सेंस देखना है और मिल जाएगा। ये रहे कैन और कुड के, जो कि आपने देख लिया कैसे भरे जाएंगे। आगे दिया गया है मे और माइट का, हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक आप इसको सीख लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।